हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यामाहा रेजेडार 125 BS6 स्कूटर। आज हम इस स्कूटर का रिव्यू कर रहे हैं गाइस, और आज मैं आपको इस स्कूटर के पूरे फीचर्स बताऊंगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर इस स्कूटर की लेंथ की बात करें गाइस, तो आपको 1880 mm मिलती है। हाइट है 1190 mm। सीट हाइट आपको 785 mm मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस 145 mm मिलता है। कर वेट है 99 kg, जो कि काफ़ी लाइट वेटेड स्कूटर है गाइस। अब मैं आपको सामने से बताता हूँ। जैसे कि गाइस, आप इसका फ्रंट से लुक देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये मस्कुलर टाइप का देखने में लगता है स्कूटर। सामने आपको विंडशीट दी है ब्लैक कलर्स की कंपनी ने, या आपको LED DRL दिया है। जैसे कि आप इसका इंडिकेटर्स देख रहे हैं गाइस, आपको ये बल्ब टाइप इंडिकेटर्स मिलते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स हैं। साइड में आपको वो यामाहा ब्रांड का स्टिकर मिलता है। सेंटर में आपको, जैसे कि देख रहे हैं गाइस, मैट फिनिशिंग दी है कंपनी ने। नीचे आपको काफ़ी बड़े साइज़ का हाइलोजन हेडलाइट दिया है। फ्रंट सस्पेंशन आपको गाइस टेलीस्कोपिक फोक मिलता है। फ्रंट डिस्क डाया है 190 mm। स्टाइलिस्ट आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट टायर आपको 90x90-12 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्रंट मडगार्ड आपको मेटल का मिलता है गाइस, जो कि काफ़ी अच्छा है। साइड में कंपनी ने आपको यामाहा ब्रांड का लोगो दिया है। फ्लोर स्पेस, जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, काफ़ी अच्छा फ्लोर स्पेस आपको मिलता है इस स्कूटर में। सेंटर में ही आपको मेंटेनेंस फ्री बैटरी मिलती है। सिंगल पीस आपको सीट मिलती है इस स्कूटर में गाइस, काफ़ी बड़े साइज़ की। राइडर एंड पिलियंस के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। और इस सीट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है फोम की, जो कि एक कम्फर्ट आपको राइडिंग देता है स्कूटर। साइड से जैसे कि आप देख रहे हैं, पिलियंस के लिए आपको फुटरेस्ट दिया है कंपनी ने। रेजेडार का स्टिकर बैचिंग दिया है। साइड में आपको 125 इंजन डिस्प्लेसमेंट सॉलिड गियर का स्टिकर बैचिंग दिया है कंपनी ने। अब मैं आपको रियर से बताता हूँ। जैसे कि गाइस, आप इस स्कूटर का रियर से लुक देख रहे हैं। टेल लाइट आपको बल्ब टाइप ही मिलती है। काफ़ी बड़े साइज़ की आपको टेल लाइट दी है कंपनी ने। आपको इंडिकेटर्स भी बल्ब टाइप मिलते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल हैं, बहुत ही अच्छा है। लेफ्ट राइट आपको रिफ्लेक्टर दिया है कंपनी ने गाइस। रियर सस्पेंशन की बात करें गाइस, तो आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है। अब मैं गाइस आपको इस स्कूटर के इंजन्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि गाइस, आप इसका एग्जॉस्ट साइलेंसर्स को देख रहे हैं, काफ़ी बड़े साइज़ का आपको एग्जॉस्ट दिया है कंपनी ने। इंजन टाइप है एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर। FISO HC टाइप आपको इंजन्स मिलता है। इस इंजन का मैक्सिमम पावर है 8.2 PS 6500 RPM पे। मैक्सिमम टॉर्क है 9.7 Nm का 5000 RPM पे। और अब आपको इस स्कूटर में FI फ्यूल इंजेक्शन पंप मिलता है, जिससे कि 10-15% मोर फ्यूल इफिशेंसी अब आपको मिलती है। और आपको इस इंजन्स में टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी कि स्मार्ट मोटर जनरेटर सिस्टम, जो कि काफ़ी स्मूथ और साइलेंट से ये इंजन स्टार्ट होता है। जैसे कि गाइस, मैंने आपको पहले बोला कि ये BS6 का स्कूटर है, तो कंपनी ने इसके साइलेंसर्स पे कैटलिटिक कन्वर्टर को ऐड किया है, और ऑक्सीजन सेंसर्स को भी ऐड किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, रिड्यूस इन इमिशंस के लिए। रियर, जैसे कि आप टायर देख रहे हैं गाइस, ये आपको 110x90-10 का आपको ट्यूबलेस टायर दिया है कंपनी ने। रियर आपको अलॉय व्हील्स दिया है, और ड्रम टाइप आपको ब्रेकिंग सिस्टम है रियर में। और गाइस, आपको इस स्कूटर में एक सेफ्टी फीचर्स मिलता है, जो कि आपको अगर इस स्कूटर का साइड स्टैंड आपका ऑन रहता है, तो
ये स्कूटर का इंजन स्टार्ट नहीं होता है, जो कि एक सेफ्टी पॉइंट है गाइस। अब मैं गाइस आपको इस स्कूटर का इंस्ट्रूमेंट कंसोल्स बताता हूँ। जैसे कि आप गाइस इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल्स देख रहे हैं, इसमें आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल्स मिलता है। यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेशंस मिलता है, ये आपको स्पीडोमीटर दिया है कंपनी ने, ऑडोमीटर दिया है, आपको आरपीएम शो करता है, काफ़ी सारे आपको इंफॉर्मेशंस मिल जाती है। साइड में आपको कुछ पायलट्स लैंप दिए हैं जो कि इकोनॉमिक्स मोड है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स है, स्टॉप स्टार्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी दी है इस स्कूटर में। यह आपको सेंटर में FI फ्यूल इंडिकेशंस दिया है, ये आपको साइड में हाई बीम लो बीम पायलट लैम्प दिया है। जैसा कि आप ये स्विच देख रहे हैं, ये आपको स्टॉप स्टार्ट सिस्टम का स्विच दिया है कंपनी ने, ये आपको पावर ऑन स्विच दिया है, ये आपको गाइस हाई बीम लो बीम स्विच मिलता है, ये लेफ्ट राइट इंडिकेटर स्विच दिया है कंपनी ने, ये आपको हॉर्न स्विच मिलता है। सेंटर में आपको यामाहा ब्रांड का लोगो दिया है कंपनी ने, नीचे ही आपको इग्निशन स्विच दिया है और यहाँ से ही आपका सीट ओपन होता है गाइस। मैं इसको आपको बताता हूँ, इसका सीट अंडर स्टोरेज। जैसे कि आप गाइस इसका सीट अंडर स्टोरेज देख रहे हैं, पूरे 21 लीटर का ये सीट अंडर स्टोरेज है, काफ़ी ज़्यादा इसकी डेप्थ है, आसानी से एक फुल साइज़ का हेलमेट रख सकते हैं। 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है आपको इस स्कूटर में। सीट पे ही आपको टूल किट दिया है कंपनी ने। अगर आपका गाइस कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें। डिस्क्रिप्शन पे मैं शोरूम का इन चंद्रपुर एड्रेस और इस स्कूटर का प्राइस और कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक ख्याल रखें।